आओ सीखो, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हमेशा मैं ऐसे वीडियो लाती हूँ जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने में मदद हो सके। अभी तक मैंने आपको इंग्लिश पढ़ने के नियम सिखाए, क्योंकि मैंने देखा बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, अगर आता भी है तो वो बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाया और अब मैं आपको इंग्लिश लिखना सिखाऊंगी। तो आप मेरी सभी वीडियो देखिए ताकि आप कुछ भी चीज छोड़े ना और आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीख सके। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप सभी को पढ़ना लिखना सिखा सकूं, और आप सिर्फ मेरे लिए इतना कीजिए कि मेरी सभी वीडियो देखिए ताकि आपको सब कुछ। दोस्तों, आपकी वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन होगा, उसे आप दबा दीजिए। उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उसे भी दबा दीजिए। अगर आपने ये पहले से कर रखा है तो आप ऐसा ना करें, और हम हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। आज हम छोटे छोटे वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। जैसे कि सबसे पहले इज, इज का मतलब होता है। अगर आपको कहीं भी जैसे कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ इज का प्रयोग होता है। दे, दे का मतलब होता है वे। जहाँ भी वे आएगा वहाँ पर आप दे लगाएंगे, TH EY। बहुत सारे सेंटेंस आते हैं जहाँ आपको ये सब लिखना होता है। यू, यू का मतलब होता है तुम। यू का मतलब तुम होता है, YOU। इस चीज को आप छोटी छोटी वर्ड मीनिंग को हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आती हैं। एम, एम का मतलब होता है हु। आप देख रहे हैं कि जहाँ भी आई एम आता है तो वहाँ आई के साथ एम जरूर आता है। ये चीज आप हमेशा याद रखिए कि हमेशा आई के साथ एम आता है, तो वहाँ इसका उपयोग कीजिए। वर, वर का मतलब होता है थे। जैसे कि बहुवचन, जैसे बहुत सारे लोगों के बारे में बात करते हैं तो वहाँ वर आता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी वर्ड मीनिंग है ये, क्योंकि आगे जो हम आपको सिखाएंगे उसके लिए ये आना बहुत जरूरी है। आर, आर मतलब है। जैसे हम यू आर लिखते हैं तो यू के साथ आर लिखते हैं, तो इस चीज का आप हमेशा याद रखिएगा कि इसकी क्या मीनिंग है और इसको क्या बोलते हैं। वाज, वाज मीन्स होता है था। जैसे कि पास्ट में जो भी सेंटेंस हम बनाते हैं वहाँ वाज या वर आता है, तो वाज किस तरीके से लिखा जाता है। इट, इट में इट का मतलब होता है वह। वह मतलब पशु या निर्जीव वस्तु है। निर्जीव का मतलब होता है जो बोल नहीं सकती है, उन सभी को निर्जीव वस्तु बोलते हैं। अब है मी, मी का मतलब होता है मुझे। अगर आपको मुझे लिखना है किसी सेंटेंस में, मुझे आता है तो वहाँ आप मी लिखेंगे, बट अगर बीच में होगा, अगर स्टार्टिंग में, तो वहाँ आई आएगा। अब आई का मतलब मैं होता है, जैसे आई एम, आई के साथ हमेशा एम आता है, तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। तो आई किस तरीके से लिखा जाता है और उसका मतलब क्या होता है। माई मीन्स मेरा। जब आप अपने बारे में किसी टॉपिक पर लिखते हो, मेरा नाम ये है या कुछ भी, तो वहाँ माई आता है, माई नेम इज। तो आप देख रहे होंगे कि माई मीन्स मेरा होता है। अब वह, एक वह का मतलब इट था, या वह का मतलब किसी लड़के के लिए वह लगाया जाता है। ही का मतलब वह होता है, इट का मतलब भी वह होता है। तो ठीक है, अब लड़की के लिए सी लगाया जाता है, ही की जगह सी लगाया जाएगा। अगर किसी लड़की के बारे में आप कोई सेंटेंस बना रहे तो वहाँ सी लगाया जाएगा। ये चीज बहुत ही जरूरी होती है हमें याद करने के लिए, तो ये शायद आपको पता भी होगी बट बहुत ज्यादा जरूरी है। हर, हर का मतलब होता है उसका। जब आप कोई सेंटेंस बनाते हो तो उसमें देखते होगे कि उसका ये शब्द बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसमें आपको पता होना बहुत जरूरी है। हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लगाएं। हिम, हिम मतलब होता है उसको। हर, हिम, ये दोनों ही बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत से लोगों के लिए नहीं है, बट फिर भी हमें इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता होता। देयर, देयर मीन्स उनका। इस चीज को आप हमेशा याद रखिए, देयर का मतलब होता है उनका, TH EY R। ठीक है, ये सेंटेंस जो हम आपको आगे सिखाएंगे उसके लिए छोटी छोटी वर्ड मीनिंग आपके बहुत काम आने वाली है। और मीन्स होता है हमारा। जहाँ भी आप देख रहे होंगे कि और लगाते हैं हमारा, कहीं भी हमारा, हमारे के लिए कोई भी इस्तेमाल होगा तो वहाँ और लिखा जाता है, और बाकी कब कहाँ लगाया जाता है वो हम आपको आगे बताएंगे। देम मीन्स होता है उनको, TH EM, देम, देम मीन्स उनको। जब आप उनको कोई सेंटेंस बना रहे हो और वहाँ उनको आ रहा है तो वहाँ भी लिखेंगे। हाउ मीन्स कैसा, सॉरी कैसे। जब आप कुछ भी कुछ पूछ रहे हो कैसे, तो उसमें आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, छोटी छोटी वर्ड मीनिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वाई मीन्स कौन,
हम बोलते हैं कि वाय कौन, तो इस चीजों के लिए ये हमेशा इस्तेमाल किया जाता है नेम। नेम मीन्स नाम, किसी का नाम लिखते वक्त हम लिखते हैं नेम। तो इस चीज को याद रखिएगा, NAME बहुत छोटा है और आपको याद भी होगा। वैन मीन्स कब, जब आपको कोई सेंटेंस बना रहे वहां वैन आ रहा है तो वहां वैन। अब ये WH फैमिली मतलब ये क्वेश्चन वाचक सेंटेंस है, ये ज्यादातर उनमें आते हैं। व्हाट मीन्स क्या, क्या अगर आप किसी को कुछ पूछ रहे हैं क्या, तो आप व्हाट बोल सकते हैं, व्हाट। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। और मिस हमारा ये दोबारा आ गया है, बट कोई बात नहीं, अगर आप इससे और अच्छे से याद करेंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लिखना सिखाने वाले हैं। तो इसीलिए हम आपको पहले वर्ड मीनिंग सिखा रहे हैं। वेयर मिस होता है कहाँ, जब हम कोई सेंटेंस आता है लिखते हैं कि वेयर कहाँ, कि कहीं भी कहाँ यूज हो रहा है, तो वहां आप इसको लिख सकते हैं। अब है धन्यवाद मतलब थैंक्स, जब किसी को हम कोई हमारी मदद करता है तो हम उसे थैंक्स बोलते हैं, धन्यवाद इंग्लिश में इस तरीके से, हिंदी में इस तरीके से। तो ये चीजें बोलना बहुत जरूरी होता है, इससे पता चलता है कि हम कितने अच्छे इंसान हैं। हाउ मैनी कितने, जब हम किसी से पूछ रहे हो कितने, तो वहां आप इस वर्ड को इस्तेमाल कीजिए, और ज्यादातर इंग्लिश में बोलिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है और लोग भी आपके लिए बहुत अच्छा सोचेंगे। हाउ लॉन्ग कब तक, जब आप किसी को कुछ पूछ रहे हैं कब तक, तो इस तरीके के वर्ड इस्तेमाल कीजिए। हाउ आफ्टर कितनी बार, जब आपको किसी से पूछना है कितनी बार या कहीं सेंटेंस में कितनी बार आ रहा है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी वर्ड मीनिंग है बट बहुत जरूरी है। हाउ लॉन्ग कब तक, लगता है इसमें जो मैंने आपको बताया है ये आपके लिए जो भी सेंटेंस है वो मैं आपको नेक्स्ट जो लिखना सिखाऊंगी उसमें आपको हर सेंटेंस का इस्तेमाल करना भी सिखाऊंगी। हु मीन्स कौन, जब आप किसी के बारे में पूछते हैं तो इस तरीके से पूछ सकते हैं, या फिर ये काम आएगा आपके। तो ये छोटी छोटी वर्ड्स हैं जो हमारे सेंटेंस में आते हैं, और आगे हम आपको छोटी छोटी चीजें बताएंगे, तो इस चीज के लिए आप हमेशा याद कीजिए। हुज मीन्स किसका, WHOSE whose मतलब किसका। हाउ फार मतलब कहाँ तक, ये चीजें हमें नहीं पता होती, बहुत ही कम लोगों को पता होती है, तो ये आप कहाँ तक इसका मतलब ये होता है। तो अब आप हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, whom मिस होता है किसको, जहां भी इसका इस्तेमाल होता है तो आप इस तरीके से लिखे। और go मिस जाना या जाओ, जब आप किसी को बोलते हैं कि जाओ तो आप इस तरीके से बोल सकते हो गो, आप बोलोगे गो मतलब जाओ या जाना। ठीक है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे बोलिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाऊंगी। कम मिस आना या आओ, आप सोच रहे होंगे कि आप मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं उस पर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको शुरुआत से सिखा रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि आपसे कुछ पढ़ना या कुछ भी छूटे। यस मिस हाँ, अगर आपको यस किसी को हाँ बोलना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं यस। ठीक है, नो मिस नहीं, आपके मैंने सभी कमेंट्स पढ़े हैं और मैं उस पर वीडियो भी जरूर बनाऊंगी, बट मैं आपको हर चीज शुरुआत से सिखा रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि आपसे कुछ भी छू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, ताकि मुझे लगे कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और मैं और ज्यादा मेहनत कर सकूं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, हमसे क्वेश्चन कीजिए, हम उसका आंसर जरूर देंगे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो दिखाती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमें लिखना सिखाइए, देखिए मैं आपको शुरुआत से सिखा रही हूँ, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ना सिखाया, अब मैं आपको लिखना भी जल्द ही सिखाऊंगी, तो इसलिए मेरी कोई भी वीडियो देखना ना भूलें। तो प्लीज़ प्लीज़।